क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, उनको जवाब देना चाहिए, उनको जवाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहिए। देते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देते हैं, तो यहां चाचोड़ा बीलागंज में क्यों नहीं दिया। मेरा पहला सवाल था अमित शाह जी से कि आपकी पार्टी का संचालन एक 302 का अपराधी बीलागंज चाचोड़ा में कर रहा है कि नहीं, उसको लोअर कोर्ट ने 302 का मुजरिम बताया है, कोर्ट ने बताया है। वो मंच पे घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, शिवराज आया उसके साथ मंच पे तो, और आज भी हो गई, आसपास तो हो गई, मंच पे भी हो गई। आप कैसे गृह मंत्री हैं और क्या देश की कानून व्यवस्था आप संभालेंगे जब एक 302 का मुजरिम आपके मंच पर है? जवाब दीजिए, उसका जवाब नहीं आया। दूसरा मेरा सवाल था अमित शाह जी से, और आज फिर वही सवाल कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक जवाब नहीं आएगा अमित शाह जी का। दूसरा मेरा सवाल यह है, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां है और कानून व्यवस्था का ये बड़ा ढोल पीटते आ रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधारी। अभी 4 दिन पहले नरसिंहपुर जिले के सिहोरा थाने की घटना में आपको बता रहा हूं, अखबार में छपी है, आप लोग देखिए न्यूज में। क्या घटना कि वहां तंत्र मंत्र के लिए एक व्यक्ति की नरबलि करी गई, नरबलि एक व्यक्ति की गर्दन काट के नरबलि की। लोग कहते हैं कि अमित शाह बड़ा असरदार है। मैं कहता हूं इनकी सरकार हत्यारी है और धारदार है बेचारे उस निर्दोष की गर्दन काट दी, कोई गरीब परिवार का आदमी होगा, किसी अमीर की गर्दन तो ये काटेंगे नहीं, ना कोई काटना चाहिए। बिल्कुल ही नरबलि की घटना, विभत्स घटना, 2023 में आज हम खड़े हैं, इसका जवाब हो जाए। तीसरा सवाल ये है कि यहाँ जितनी पाइप बिछी है पूरे गुना जिले का, मैं जानता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में भी है, हर घर नल, कहाँ है हर घर नल बताओ? क्या हाल है गांव में देखो, क्या कर और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बीनागंज में भी हुआ है पाइपलाइन घोटाला। और मुझे बताया, हमने जब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करी, भाग गया ठेकेदार, मैंने FIR दर्ज कराई और ठेकेदार आके कहता है मैं अमित शाह का आदमी हूं, कहता मैं अमित शाह का आदमी हूं, मुझे कुछ मत करना। तो ये अमित शाह जी बताएं कि करोड़ों का घपला जो हुआ है, ये सब आपका ही नाम क्यों ले रहे हैं, किसी और का नाम क्यों नहीं लेते? अब साथियों, जब ये हार की कगार पर आ गए हैं, तो परसों की एक घटना बताऊं, रात भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के एक रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की गाड़ी में बैठकर रात के अंधेरे में SDM घर आए, डब्बा लेकर, इतना बड़ा डब्बा लेकर, झोला लेकर आए, और हमारे साथी सजग जो बैठे हैं हमारे प्रहरी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने देख लिया, वीडियो बनाया तो भाग के चले गए। मैंने पूछा अधिकारियों से, मैंने कहा भाई ये क्या है, तो बोले साहब मिठाई का देने गए होंगे दिवाली। तो मैंने कहा मिठाई रात के अंधेरे में काहे को गए और भग काहे को गए जब मिठाई देने गए, जब वीडियो बना लगे तो भगने की क्या जरूरत थी, और दिन में जाके कोई अगर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। मिठाई उस डब्बे में झोले में क्या था? अरे नोट होंगे ही नोट, और क्या होगा। ये अधिकारियों को खरीदने तक की नौबत पे आ गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग से हमने आवेदन दिया है, तो उतारा है, शांति की बात कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड लगाया है पुरातत्व विभाग ने कि ये किला छीनने के लिए सिंधिया ने हमला किया था, सिंधिया को यहां से भगा के पुनः हमारे पूर्वजों ने राज कायम किया, ये तुम्हारी सरकार ने लिखा। अब ये हमारे जयवर्धन के पीछे बहुत हाथ धो के पड़े, अरे ऐसा पाप कर दिया हम दोनों, हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, पर इन्हीं की सरकार ने उत्कृष्ट विधायक के पद, उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किसको दिया? जयवर्धन को मिला।
इतने झूठे लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं। उत्कृष्ट विधायक का पद हम दोनों को दिया और हमारे पीछे पड़े कह रहे इनको वोट मत दो। अरे इनसे झूठा कौन हो सकता है, इतने झूठे लोग। फिर ये आज अमित शाह कह गए कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ अपने पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसी की चिंता नहीं। इन्हें ये पता नहीं है कि टिकट जो देता है वो अध्यक्ष देता है पार्टी का, कोई पिता अपने पुत्र को टिकट नहीं देता है। दिग्विजय सिंह जी ने पार्टी अध्यक्ष का पद 30 साल पहले छोड़ दिया था, जब वो पार्टी अध्यक्ष थे फिर मुख्यमंत्री बने पद छोड़ दिया था और 20 साल से मुख्यमंत्री नहीं है, तो जयवर्धन को टिकट दिग्विजय सिंह जी कहां से दे सकते हैं। ये तो पार्टी ने दिया है, AICC अध्यक्ष ने दिया, PCC अध्यक्ष ने दिया। तो तुम्हें ये पता नहीं, तुम इतने बड़े ऊंचे पद पे बैठे हो, भारतीय जनता पार्टी के चलाते, तुम्हें ये पता नहीं है कि जो टिकट मिलता है वो पार्टी अध्यक्ष देता है, किसी कोई बाप अपने बेटे को टिकट नहीं देता। अरे हमारी कोई बपौती पार्टी नहीं है ये, कांग्रेस पार्टी हमारी, हमारे शहीदों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो दिन रात मेहनत करते हैं। ये उनकी अनुशंसा से टिकट दिया है, जहां भी टिकट दिया है और सर्वे कर दिया है, और सर्वे ऐसा है कि हमारी 140 सीट आ रही है, उसमें से एक भी सीट कम ना अमित शाह कर सकता, ना नरेंद्र मोदी कर सकता। और ये लल्लू पंचू जो आए थे, इनकी तो क्या औकात है, इनकी कोई औकात नहीं। अब ये दो बड़े नाम है ना, दो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आने वाला समय देखना, तुम आज हो राघोगढ़ चाचौड़ा में, राघोगढ़ चाचौड़ा से तुम्हारी खिलाफत की एक आवाज बुलंद हो गई है, इन साथियों ने, इस जनता ने आवाज बुलंद कर दी है। अमित शाह और मोदी सुन लेना, हमारी ये, और अब यही तक नहीं रुकने वाले, विधानसभा चुनाव के बाद हम पूरे देश में घूमेंगे, हम गुजरात में जाएंगे, और तुम जब चुनाव लड़ोगे तुम्हारे खिलाफ हम भी प्रचार करने आएंगे, कार्यकर्ता देगा और तुम्हें हराकर घर बिठाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन दल करेंगे। आइए 17 नवंबर को हम लोग हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। धन्यवाद, जय हिंद।